Hello children, in this video we will learn how we can create copy of list in Python. We can create a copy of a list by using any one of the following three ways. Python में list की copy create करने के लिए हमारे पास three methods हैं, three ways हैं, right? First is by using the list method. हम list method को use करके list की copy create कर सकते हैं, right? By using the copy method को use करके list की copy बना सकते हैं, by storing all elements of the list using list slice in its copy. और list slice की help से एक list के सारे elements को दूसरे list में store करा के भी हम list की copy को create कर सकते हैं. Okay, now first we have by using the list method. List method की help से आप कैसे list की copy create करेंगे ये हम अभी example की help से समझेंगे. सबसे पहले आपने एक list लिया, list को create किया A, okay, उसके elements है 1, 2, 3, 4, 5. Fine. फिर आपने क्या किया, एक वेरिएबल लिया b, b इक्वल टू लिस्ट. अब यहाँ पे लिस्ट फंक्शन के अंदर हमने पास कर दिया a को. फाइन, हमने लिस्ट फंक्शन के अंदर किसको पास किया है, ए को. ए क्या है, एक लिस्ट है, ओके, और उसको हमने लिस्ट फंक्शन के अंदर पास कर दिया, राइट. एंड क्या है पूरा स्टेटमेंट, बी इक्वल टू लिस्ट फंक्शन, एंड इस फंक्शन के अंदर हमने ए को पास कर दिया. फाइन, अब देखो जब ए को प्रिंट कराया तो क्या आया, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारी ए ऑलरेडी बनी हुई है लिस्ट. एंड देन अब आप बी को प्रिंट कराओगे तो क्या होगा, लिस्ट फंक्शन की हेल्प से बी के अंदर भी क्या हुआ है, ए के एलिमेंट्स कॉपी हो गए. फाइन, अब बी भी एक लिस्ट बन गई है और उसके अंदर किसके एलिमेंट्स कॉपी हो गए हैं, ए लिस्ट के एलिमेंट्स कॉपी हो गए. फाइन, अब बी, नाउ बी हैज बिकम कॉपी ऑफ ए, ओके. एंड ये दोनों क्या है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. जो दो लिस्ट बनी है, एक ए और बी, दोनों क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. मतलब आप एक के अंदर कोई भी चेंजेस करते हो वो दूसरे के अंदर नहीं होंगे, दूसरे के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे. फाइन, अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ए के वन इंडेक्स पर, लिस्ट ए के वन इंडेक्स पर हमने क्या वैल्यू कर दी, 20. अब पहले ए के वन इंडेक्स पे क्या था, 2 था, ओके, 0, 1, राइट, 2 था. हमने उसके प्लेस पे क्या कर दिया, 20. अब जब आप ए को प्रिंट कराओगे तो क्या देखोगे, यहाँ पे वन इंडेक्स पे 2 के प्लेस पर क्या आ गया है, 20, ओके. एंड आपने बी को प्रिंट कराया, बी को प्रिंट कराया तो देखो बी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है. ए में चेंज करने से बी के अंदर कोई भी चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, बी के एलिमेंट्स एज इट इज है. फाइन, तो यहाँ पे क्या है, बी ए की कॉपी तो बनी है बट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. फाइन, अब समटाइम्स व्हाट हैपन, बच्चे क्या करते हैं जब कॉपी बनानी होती है, सिंपल एक यूज कर लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का. जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाती हूँ, यहाँ पे हमारी वही लिस्ट है, हमने एक लिस्ट ली है ए, ओके, उसमें एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, ओके. अब आपने क्या किया, बी इक्वल टू ए, बी को क्या असाइन कर दिया, ए, राइट, ओके. अब जब आपने प्रिंट कराया तो ए की एलिमेंट से 10, 20, 30 और बी में असाइन तो हो गया, ए के एलिमेंट्स बी के अंदर आ गए, कॉपी भी बन गई, बट दिस इज नॉट ट्रू कॉपी. फाइन, अब बी में भी वही एलिमेंट्स आ गए, 10, 20, 30, बी कॉपी तो बन गया ए की, जब आपने बी को इक्वल टू ए किया, असाइन किया, तो ये कॉपी तो बन गया, बट ये क्या है, कॉपी बन तो गया बट दे आर नॉट रियल कॉपीज. ये एक्चुअली होता क्या है, जब आपने एक लिस्ट को, एक वेरिएबल को असाइन किया तो क्या हुआ, ये इस लिस्ट के अब दो क्या हो गए, नेम्स हो गए. फाइन, एलियासेस, ओके, जैसे एक पर्सन के दो नेम होते हैं वैसे यहाँ पे एक लिस्ट के दो नेम हो गए, बी एंड ए. फाइन, एंड दे आर कॉल्ड एज एलियासेस, ओके. तो यहाँ पे एक ही लिस्ट के अब दोनों के दोनों जो वेरिएबल है एक ही लिस्ट को पॉइंट कर रहे. फाइन, तो अब जब आप क्या करोगे, लिस्ट में चेंज करोगे, जब आपने क्या किया, ए के वन इंडेक्स पर आपने क्या कर दिया, 20 की जगह आपने क्या कर दिया, 40. फाइन, ए को प्रिंट कराया तो आपका रिजल्ट आ गया 10, 40, 30. फाइन, उसके बाद जब आपने बी को प्रिंट कराया तो यहाँ पे देखो इसमें भी चेंज हुआ है. वाई, बिकॉज ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों सेम ही है, ओके, ये दोनों डिफरेंट नेम्स हैं जो एक ही लिस्ट को क्या कर रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं.
ओके, एक ही लिस्ट को क्या करें, रेफरेंस करें, फाइन। ओके, तो जब आप रियल कॉपीज बनाओगे तब आप ये मेथड नहीं यूज करोगे, फाइन। ओके, यहाँ पे सिंपली लिस्ट तो बन जाएगी, कॉपी तो बन जाएगी, बट वो क्या है, दीज आर नॉट रियल कॉपी, दे आर ओनली टू नेम्स विच आर रेफरिंग टू द सेम लिस्ट, फाइन। नेक्स्ट मेथड इज बाय यूजिंग द कॉपी मेथड और कॉपी फंक्शन। ओके, पहले हमने लिस्ट फंक्शन की हेल्प से लिस्ट की कॉपी बनाई, अब हम कॉपी फंक्शन की हेल्प से कॉपी लिस्ट की कॉपी क्रिएट करेंगे, फाइन। अब इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखो, आपके पास लिस्ट वन है, ओके, उसके एलिमेंट्स है 10, 20, 30 एंड 40। ओके, देन यू हैव लिस्ट टू, आपने एक वेरिएबल या लिस्ट टू इक्वल टू लिस्ट वन डॉट कॉपी। ओके, यहाँ पे कॉपी फंक्शन का यूज किया है, लिस्ट वन डॉट कॉपी। ओके, और उसको असाइन कर दिया है लिस्ट टू में, फाइन। तो आप अगर एक लिस्ट की कॉपी बनाना चाहते हो तो आप कैसे दोगे, लिस्ट का नेम डॉट कॉपी फंक्शन, फाइन। तो अब देखो, यहाँ पे लिस्ट वन जब आपने प्रिंट कराया, उसके एलिमेंट्स आ गए 10, 20, 30, 40। जब आपने लिस्ट टू को प्रिंट आया, और देखो अब लिस्ट टू क्या बन चुका है, कॉपी ऑफ लिस्ट वन। ओके, बाय यूजिंग द कॉपी फंक्शन, फाइन। अब देखो, जब आपने लिस्ट वन के जीरो इंडेक्स पर क्या किया, लिस्ट वन जीरो इंडेक्स प्लस इक्वल टू 50, राइट। ओके, तो ये क्या होगा, जीरो इंडेक्स पे हमारी वैल्यू क्या है, 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 प्लस 50 आ जाएगा, 10 प्लस 50 इज इक्वल टू 60, फाइन। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 10 प्लस 50 आ जाएगा, ओके, 10 प्लस 50। अब देखो, लिस्ट वन को हमने प्रिंट कराया तो इसके एलिमेंट चेंज हो चुका है, फर्स्ट एलिमेंट पहले 10 था, अब 10 प्लस 50 आ गया 60, फाइन। ओके, 60, 20, 30, 40। ओके, लिस्ट वन जीरो इंडेक्स इज प्लस इक्वल टू क्या होगा, लिस्ट वन जीरो इंडेक्स इक्वल टू लिस्ट वन जीरो इंडेक्स प्लस 50। तो जो लिस्ट वन के जीरो इंडेक्स पे वैल्यू है 10 प्लस 50, 10 प्लस 50 हो जाएगा, फाइन। ओके, तो आपका ये आ गया। अब आप लिस्ट टू को देखो, जब आप लिस्ट टू को प्रिंट कराओगे तो उसका फर्स्ट एलिमेंट 10 ही है, वो 60 नहीं हुआ है, राइट। क्योंकि लिस्ट टू और लिस्ट वन क्या है, एक दूसरे से दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ इच अदर, एक दूसरे से अलग है, कॉपीज तो है बट एक दूसरे से अलग है, फाइन। ओके, आप लिस्ट टू में जो भी चेंज करोगे, लिस्ट वन में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, लिस्ट वन में वो चेंज नहीं होगा, लिस्ट वन में जो भी चेंज करोगे, लिस्ट टू में वो चेंज नहीं होगा। तो सेकंड मेथड हमारा क्या है, बाय यूजिंग द कॉपी फंक्शन। ओके, नाउ वी हैव थर्ड मेथड, बाय स्टोरिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट यूजिंग लिस्ट स्लाइस इन इट्स कॉपी। हमने लिस्ट स्लाइसिंग लास्ट वीडियो में किया था, लिस्ट स्लाइसिंग कैसे करते हैं, फाइन। ओके, अब इन्होंने क्या है, लिस्ट स्लाइसिंग की हेल्प से आप एक लिस्ट के सारे एलिमेंट को दूसरे लिस्ट में क्या करोगे, कॉपी करोगे। तो सिंपली बहुत ही इजी है, जो हम जैसे हमने लिस्ट स्लाइसिंग में किया था, लिस्ट वन आपकी आगे 1, 2, 3, 4, 5, आपने लिस्ट टू दी, लिस्ट टू को क्या असाइन किया, लिस्ट वन, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, एंड कॉलन। अब यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया हुआ है, एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया हुआ है, फाइन। तो क्या होगा, स्टार्टिंग ये कहाँ से करेगा, जीरो इंडेक्स से करेगा, और एंडिंग क्या करेगा, टिल द एंड ऑफ द लिस्ट, मींस ये जीरो इंडेक्स के एलिमेंट से लेकर लास्ट इंडेक्स एलिमेंट तक जितने भी एलिमेंट्स है सबकी कॉपी बना के किसमें डाल देगा, लिस्ट टू में डाल देगा, फाइन। ओके, अब जब देखो आप लिस्ट वन को प्रिंट कराओगे, ये हमने ये कॉन्सेप्ट तो हमने स्लाइसिंग में भी किया था, ठीक है। जब आप लिस्ट वन को प्रिंट कराओगे, आपके लिस्ट वन ये आ गए 1, 2, 3, 4, 5। लिस्ट टू को प्रिंट कराओगे, आपके लिस्ट टू आ गए सेम 1, 2, 3, 4, 5, फाइन। तो आपने स्लाइसिंग की हेल्प से क्या किया, लिस्ट वन की कॉपी बनाई लिस्ट टू। ओके, अब लिस्ट टू में हमने चेंज किया, लिस्ट टू के सेकेंड इंडेक्स पर, मतलब यहाँ पे 3, 3 के प्लेस पे हमने क्या कर दिया, 30, फाइन। थ्री के प्लेस पे हमने क्या कर दिया, 30। ओके, नाउ अब आप जब लिस्ट वन को प्रिंट कराते हो तो आपके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, कोई चेंज नहीं आया लिस्ट वन में, और जब आप लिस्ट टू को प्रिंट कराते हो तो क्या होता है, 1, 2, 30, यहाँ पे क्या आ गया आपका, 30। ओके, सो यू कैन सी, जब आपने लिस्ट वन को प्रिंट कराया आपका आया 1, 2, 3, 4, 5। ओके, जब आपने लिस्ट टू को प्रिंट कराया तो आपका क्या आ गया, 1, 2, 30, 4 एंड 5। ओके, तो लिस्ट टू में तो चेंज हुआ बट लिस्ट वन में कोई भी चेंज नहीं हुआ। ओके,